नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीबीएन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आइए रुक करते हैं जमशेदपुर यानी कि झारखंड की एक खबर पर। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर सफलता लगी है, जहां पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे दो शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। इसकी जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बारडीहा होते हुए हुड़लुंग के रास्ते में दो व्यक्ति एक कार में हथियार लेकर जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर छापेमारी कर उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्त में आए अपराध कर्मी का नाम विजय प्रधान एवं प्रदुमन प्रधान है, जिनके पास से दो अवैध देसी पिस्टल एवं कारतूस समेत एक कार को जब्त किया है। दोनों अभिव्यक्त किसी बड़े घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे थे। दोनों ही अभिव्यक्तों का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा। आज रात्रि मध्य रात्रि ये गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक i10 गाड़ी में हथियार लेकर बारेड़ी से हुड़लुंग की ओर जा रहे हैं। सूचना के सत्यापन और गिरफ्तार कार्रवाई हेतु पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी नगर और नगर में दूसरी शामिल। इनके द्वारा मुर्दा बस्ती के आसपास चेकिंग लगाकर चेकिंग किया जा रहा था, तो उक्त व्हीकल जब वहां पे पहुंचा तो व्हीकल को जब रोका गया तो उसमें जो सवार दो लोग थे वो व्हीकल को छोड़कर वहां से भागने लगे। जब उनको खदेड़ कर पकड़ा गया और उनकी तलाशी दी गई तो उनके पास से दोनों के पास से कमर में घुसा हुआ एक एक देसी पिस्टल एक एक लोडेड पिस्टल बरामद हुआ, जिसमें दो कारतूस भी थे। जब उनका नाम पता पूछा गया तो इन दोनों का नाम RIT थाना सरायकेला खरसावां का रहने वाला विजय प्रधान और प्रद्युमन प्रधान है। इसमें जो विजय प्रधान है RIT थाना से ही कुछ माह पहले जेल में जेल गया हुआ था और अभी इसी महीने की 3 तारीख को जेल से छूटा था। क्या किसी घटना को अंजाम देने का प्लान? जहाँ तक हथियार लेकर पर्पज की बात है तो विजय प्रधान जमीन का कारोबार करता है और इसके पास ये हथियार पहले से था और जेल जाने से पहले इसने ये हथियार प्रद्युमन प्रधान को दिया था। उसी हथियार को ये लोग को लेकर ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।